अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो भाई साहब अभी जो है ना, मैं चांद को नहला के लेके आया हूँ नीचे से। ये देखें भाई, बड़ी जान आ गई है इसमें। देखें माशाल्लाह कैसे मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। देखें माशाल्लाह चमक गया हुआ है। ये वाले जो निशान है ना, ये भाई जो है ना, इनका फुजला वगैरह और पेशाब वगैरह लग लग के ना इसका कलर चेंज हुआ होता है, क्योंकि पेशाब में तजाबियत होती है ना, तो इसलिए जो है ना इनका कलर चेंज हो गया होता है यहाँ से। तो अभी ना इसको मैं यहीं पे बांध देता हूँ। भाई साहब अभी हमने ना चांद को यहाँ पे बांध दिया हुआ है। मैं इसको ले गया हुआ था नीचे, नहलाया इसको अच्छी तरह से। तो अभी इसका पानी जो है ना, ये नीचे गिर रहा है अभी। तो इसने एक दो दफ़ा जो है ना अपना जिस्म को सही से जो है ना झाड़ लेना इसने। ये देखिए झाड़ने लगा अभी मेरा ख्याल है। तो भाई साहब इसने जो है ना फिर से इसकी जो है ना ऊन वगैरह वो सेट हो जाएगी। अभी जुड़ी हुई है साथ साथ। ले जी ये देखें माशाल्लाह से, है ना चारा पड़ा हुआ था। ये देखें, ये सुबह निकाल लिया था, इनको वंडा डाला था ना सुबह, तो ये निकाल दिया हुआ था चारा। तो अभी जो है ना ये मैं डाल लेता हूँ ताकि ये ना खा ले। है तो मुश्किल ही भाई साहब ये खाएं, क्योंकि छोड़ा हुआ जो है ना चारा ये कम ही खाते होते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं भाई साहब के। यहाँ से ये चोकर है हमारे पास, ये लेके इसको ना ऊपर डाल दें ताकि ये ना। तो भाई साहब अभी मैंने पैरट देखा, एक वो फीमेल थी या मेल था, उसने ना अंडे दिए हुए हैं यहाँ पे इस वाले कुजे में। इंजेक्शन पड़ा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था जो मुर्गे और चिक को लगाया था, तो ये ना बच गया हुआ था। तो ये मुर्गे को लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने फिर नहीं लगाया इनको। मुर्गियों का पानी वगैरह देख लें भाई साहब। ये देखें मैंने पाँव में जूता भी नहीं पहना हुआ भाई साहब, मैंने हिला रहा था उसको, मैंने कहा जूता गीला हो जाना है। तो माशाल्लाह से भाई साहब मैं अभी मुर्गियों को देखने आया हूँ, तो दो मुर्गियों ने अंडे दिए हुए हैं। तो भाई साहब अंडे उठा लेते हैं इनके, नहीं तो इन्होंने ना खा जाने हैं अंडे। तो भाई साहब मैं अंदर आया हूँ, तो देखें मुर्गा बाहर आ गया। बीमार था तो चल नहीं था रहा, अभी देखें इसकी मस्तियां चेक करें आप। दोस्तों दो अंडे दिए हुए हैं मुर्गियों ने, ये देखें माशाल्लाह। तो अभी चिक्स का पानी भी देख लेते हैं, पानी इनका बदला था मैंने। तो माशाल्लाह इन्होंने भी जो है ना अपनी फीड वगैरह खा ली हुई है और पानी भी इनका है। तो देखें माशाल्लाह किस तरह इनके पोटे भरे हुए हैं। भाई साहब ठीक है, अभी इसने बड़ा आसरा किया, नहीं तो पौधे हमारे सारे सूख जाने थे। ये देखें माशाल्लाह आज एक कली खिली है। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है भाई साहब कली। ये वाली ग्लो है ना जो ये कलमे लगाई थी, ये भी जो है ना पत्ते निकालना स्टार्ट हो गई हुई है। ये दरअसल थोड़ा लेट शुरू करते हैं अपने पत्ते निकालना। तो भाई साहब ये देखें, ये ना मुझे लग रहा है कि कोई बीमारी आ रही है इनको कलियों को। तो भाई साहब इसकी स्प्रे ला के करनी पड़ेगी अभी हमें। बाकी जो है ना हमारे पौधे, बाकी पौधे हमारे माशाल्लाह ठीक है, कलियों को थोड़ा प्रॉब्लम बना है। गुलाब भी माशाल्लाह ठीक है, एक ये वाला पौधा सूख रहा है और एक यहाँ पे था ये वाला, ये दोनों सूख रहे हैं। तो इनका भी कोई ना लगाते हैं हिसाब किताब इनका। बाकी हमारे पौधे माशाल्लाह सब ठीक है भाई साहब। मैंने ना सोचा था कि ये चूल्हा जो है ना इसको गिरा दिया जाए, लेकिन भाई साहब इसने बड़ा हमें काम देना है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हुई हैं, तो जो लकड़ियों की आग होती है ना उसके ऊपर हांडी बना के चावल बना के खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो अभी हमने इसको नहीं गिराना है, ये वाला गिरा देंगे। जाने से पहले मैंने कहा एक दफा ना मैं शेरू और चांद को देखा हूँ, चारा खा रहे हैं या नहीं खा रहे। चांद हमारा, शेरू जो है ना, चांद हमारा चारा खा रहा है और शेरू नहीं खा रहा। तो इसको पानी पिला के देखते हैं, शायद इन्होंने पानी ना पीना हो। पानी पी लो भाई। भाई साहब चांद ने पानी पीना है, चांद पानी पी रहा है, शेरू ने नहीं पीना पानी।
शेरू आज चारा ही अकेला खाएगा। वो देखें सूंघ के खा रहा है उसको ना, उसकी स्मेल टेस्ट कर रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे अंडे रखे थे, मैं उठा लेता हूँ। तो भाई साहब अभी जो है ना, हमने चांद को नहला दिया हुआ है और ये देखें दो अंडे माशाल्लाह दिए हैं मुर्गियों ने, वो भी उठा ली बहुत ज्यादा बाहर। तो अभी हम जाते हैं जी नीचे, वीडियो यहीं पे करते हैं जी खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोनों में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ और नासिर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें भाई साहब, वीडियो को भी लाइक कर दें।